रावलपिंडी टेस्ट 9 विकेट से जीत लिया। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज भी 2-1 से पाकिस्तान के नाम। स्पिनर्स का जादू एक बार फिर चल गया। नोमान अली 6, साजिद खान के 4 शिकार। दूसरी इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम 112 रन बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान ने 36 रन का हदफ 1 विकेट पर हासिल किया। साइम अयूब 8 रन बनाकर आउट हुए। शान मसूद 23, अब्दुल्ला शफीक ने 5 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से जो रूट 36, हैरी ब्रोक 26 रन बनाकर नुमायाँ रहे। बेन डेकेट 12, एंगस्टन और जैक लेज 10-10 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रिहान अहमद 7, शुएब बशीर 4, बेन स्टोक्स और जेमी स्मिथ ने 3-3, जबकि जैक क्रॉली ने 2 रन बनाए। शानदार सेंचुरी पर साउथ शकील प्लेयर ऑफ द मैच। सीरीज में 19 विकेट्स उड़ाने पर साजिद खान प्लेयर ऑफ द सीरीज करार। पाकिस्तानी टीम की कप्तानी से बड़ा फखर कोई नहीं। मैच हारने पर दुख होता है, जीतने पर भी तनकीद हो तो अफसोस होगा। साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। खिलाड़ियों को बनाने के लिए सिलेक्शन में तसलसल चाहिए। जस्टिस याहिया अफरीदी ने बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से हलफ लिया। ऐवान सदर में मुनाकिदा तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर्स भी शरीक हुए। अराकीन पार्लियामेंट को भी शिरकत की दावत दी गई थी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की तश्कीलें 9 कर दी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी की तश्कीलें 9 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी का ओहदा संभालते ही बड़ा फैसला। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया है। फुल कोर्ट इजलास 28 अक्टूबर को दिन 1 बजे होगा। इजलास में जजेस की तहफ़ुज़ात समेत मुख्तलिफ अदालती उमूर ज़ेरे गौर आएंगे। जस्टिस याहिया आफरीदी 23 जनवरी 1965 को डेरा इस्माइल खान में पैदा हुए। एचएसएन कॉलेज लाहौर से इंटरमीडिएट, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से एमए मुआशियात की डिग्री हासिल की। जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एलएलएम की डिग्री भी हासिल की। याहिया आफरीदी ने 1990 में हाईकोर्ट के वकील की हैसियत से प्रैक्टिस शुरू की। 2004 में सुप्रीम कोर्ट के वकील के तौर पर वकालत का आगाज किया। 2010 में पिशावर हाईकोर्ट के एडिशनल जज मुकर्रर हुए। 30 दिसंबर 2016 को पिशावर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के ओहदे का हलफ उठाया। 28 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज मुकर्रर हुए। जस्टिस याहिया आफरीदी मखसूस नशस्तों से मुतल्लिक केस में लार्जर बेंच का हिस्सा रहे। केस से मुतल्लिक फैसले में अपना इख्तिलाफी नोट भी तहरीर किया। जस्टिस याहिया आफरीदी जुल्फिकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी लार्जर बेंच का हिस्सा भी रहे। बीसवीं आईनी तरमीम ने चोर दरवाजे से इक्तदार का रास्ता बंद कर दिया। 2017 में तरक्की करते पाकिस्तान को रोककर अदम इस्तेहकाम पैदा किया गया। मुल्क बहरानी कैफियत से निकल आया है। अब मुल्क में मुआशी सियासी इस्तेहकाम आएगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्ला का कहना है कि वज़ीर आज़म की अनथक मेहनत से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। हम G20 में कदम रखने वाले थे कि बानी PTI को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। अडियाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी खत्म। जेल ज़राए का कहना है कि आम कैदियों समेत तमाम कैदियों की मुलाकातें अब मामूल के मुताबिक होंगी। रवा माह 4 अक्टूबर को सिक्योरिटी वजूहात के बाइस जेल मुलाकातों पर पाबंदी लगाई गई थी। पंजाब में चावल की पैदावार में इजाफा मुतवक्के है। $1 अरब एक्सपोर्ट बढ़ने का इम्कान है। वज़ीर-ए-आला पंजाब की सदारत में इजलास। गुज़श्ता बरस $4 अरब के चावल एक्सपोर्ट हुए। रवां साल $5 अरब की एक्सपोर्ट मुतवक्के है। मरियम नवाज को ब्रीफिंग। सूबे में गंदम की पैदावार में 30% इजाफे की पेशगोई है। पंजाब भर में जेर काश्त सरकारी रकबे पर गंदम की काश्त लाजमी करार। हॉस्पिटल लाहौर लेस्को का 10 करोड़ का नादहिंदा निकला। नोटिस जारी। हॉस्पिटल इंतजामिया को वाजिबात अदा न करने पर बिजली मुनकता करने की वार्निंग। एक्सियन सिविल लाइंस डिवीजन के मुताबिक हॉस्पिटल इंतजामिया ने कई माह से बिजली के बिल अदा नहीं किए।
नाइट सैफ अली जंजुआ का 76वां यौम शहादत आजाद कश्मीर रेजिमेंट के सीनियर ऑफिसर्स ब्रिगेडियर मोहम्मद हारून और ब्रिगेडियर उस्मान अली की शहीद की कब्र पर हाजिरी, मजार पर फूल चढ़ाए फातह खाने की। नाइट सैफ अली जंजुआ ने 1948 के कश्मीर की जंग के दौरान पीर कलियवा पहाड़ी का बहादुरी से दिफा किया था। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड मौसीकार और तबला नवाज उस्ताद अल्ताफ हुसैन अलमारूफ उस्ताद ताफू लाहौर में इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 78 बरस थी। अल्ताफ हुसैन अलमारूफ उस्ताद ताफू को सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। मरहूम गुज़श्ता कई माह से गुर्दों के मरज में मुब्तिला थे। उमरकोट में सैलाब मुतासरीन दरबदर, हुकूमत की तरफ से सैलाब मुतासरीन के लिए भेजा गया करोड़ों रुपए का सामान गोदाम में गलने सड़ने लगा। सामान में टेंट, कंबल, बिस्तर, साबुन, जूते और दीगर सामान शामिल है। सैलाब मुतासरीन का जिला इंतजामी के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनाने और मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। पाकिस्तान की जानिब से गजा और लेबनान के लिए इमदाद की फराहमी का सिलसिला जारी है। एनडीएमए ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से इमदादी सामान की 13वीं खेप रवाना कर दी। 100 टन इमदादी सामान में सर्दियों के लिए फैमिली टेंट और गर्म कंबल शामिल है। पाकिस्तान मजमूई तौर पर 1381 टन इमदाद गजा और लेबनान भिजवा चुका है। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ माहा इकबाल। हेडलाइंस आप मुलाहिजा की आगाज करेंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ है। ज़राए के मुताबिक 4 अहलकार शहीद हो गए, 5 जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है। वज़ीरे दाखिला मोहसिन नकवी की शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में पुलिस पोस्ट पर खुदकुश हमले की मजम्मत, 4 पुलिस अहलकारों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीरे दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस अहलकारों की कुर्बानी को खिराज अकीदत, कहा कि शहीद पुलिस अहलकारों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं, जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। मजीद क्या मालूमात है, हसबुन अल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हसबुन अल्लाह, क्या बताया जा रहा है इजराइल की तरफ से? जी बिल्कुल, ये शुमाली वज़ीरिस्तान मेरली के इलाका इदक असलम चेक पोस्ट पर खुदकश हमला हुआ है। वाकये में 4 पुलिस और 2 आर्मी अहलकार शहीद हुए हैं। धमाके में चेक पोस्ट और फौजी गाड़ी को निशाना बनाया गया था। जख्मियों को फौरी तौर पर मीरान शाह अस्पताल मुंतकल कर दिया गया। और मैं ये भी बताता चलूँ कि खुदकश हमला रश्के के जरिए किया गया है। अमवात में इजाफे का इम्कान है और मैं सिक्योरिटी फोर्स ने जो है वाकई का माजरा कर लिया है। जी ठीक है, और हसबुनल्लाह इस बारे में बताइएगा कि अभी जैसे कि वाकया पेश आए शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में, और इस इलाके के बारे में बताइएगा, गुंजान आबाद इलाका है, इसकी लोकेशन क्या है? नहीं, ये तो बिल्कुल मेन रोड है जो बनू से मीरान शाह और मेरली का जो है ना मेन रोड है, इसके ऊपर जो है ना ये चेक पोस्ट है, इसके चेक पोस्ट के साथ जो है ना ये खुदकश हमला हुआ है। ठीक है, और हसबुनल्लाह जख्मियों के बारे में क्या इतलात हैं, उनकी हालत कैसी बताई जा रही है? ज़्यादा जख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है और मीरान शाह अस्पताल मुंतकल कर दिए गए हैं। मैडम ठीक है, हसबुनल्लाह हमारे साथ रहेगा। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में पुलिस के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ है। इज़राइल का ये बताना है कि 4 अहलकार शहीद हो गए हैं, 5 जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया है, जबकि वज़ीरे दाखिला मोहसिन नकवी की तरफ से शुमाली वज़ीरिस्तान मीर अली में पुलिस पोस्ट पर खुदकुश हमले की मजम्मत सामने आ रही है। 4 पुलिस अहलकारों की शहादत पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीरे दाखिला मोहसिन नकवी का शहीद पुलिस अहलकारों की कुर्बानी को खिराज अकीदत, उनकी तरफ से कहा गया है कि शहीद पुलिस अहलकारों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआगो हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इस वक्त शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। पुलिस के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ है। इज़राइल का ये बताना है कि इस हमले के नतीजे में 4 अहलकार शहीद हो गए हैं, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन का बाकायदा आगाज हो चुका है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली से खबर है जहां पर पुलिस के काफिले पर खुदकुश हमला हुआ है। ज़राए का यह कहना है कि 4 अहलकार शहीद हुए हैं और 5 जख्मी हुए हैं। पिशावर हयातबाद से खबर है जहां पर टिश्यू पेपर्स और डायपर्स कारखाने में आतिशजदगी हुई है। रेस्क्यू की 10 फायर फाइटर्स और 10 व्हीकल्स आग बुझाने में मसरूफ अमल है।